ये सब दंगाइयों को कैसे ठीक करना है, ये सरकार को और गृह मंत्री जी को पूर्ण तरीके से जानकारी है। एक तरफ गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद अवैध निर्माण के नाम पर गरीबों की रोजी रोटी तक छीन ली जाती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, मीडिया से रूबरू होते हैं, तभी एक पत्रकार दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर नेताजी से सवाल पूछ लेते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की जहांगीरपुरी घटना को लेकर बड़ा बयान दिया। युवा मोर्चा की ओर से पूरे देश में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। काकोरी में आज़ादी के आंदोलन के संदर्भ में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान और उनके साथ जो पूरे नौजवान के टीम थे, वो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसको स्मरण करने के लिए उनसे और उनके शहादत से प्रेरणा लेने के लिए युवा मोर्चा की पूरे टीम के साथ में आज वहां गए थे और आज प्रदेश कार्यालय में पार्टी के युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के पूरे टीम के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश टीम और सभी जिला अध्यक्षों के साथ एक कार्यकर्ताओं का अभिनंदन का कार्यक्रम भी आज हम रखे हैं। युवा मोर्चा का बहुत बड़ा रोल था इस बार के चुनाव में, योगी जी के जीत में युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता का बहुत बड़ा परिश्रम था, योगदान था। आज युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के ओर से, व्यक्तिगत ओर से सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद अर्पण करने के लिए मैं यहां आया। सर, जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और विपक्ष का कहना यह है कि ये बदले की कार्रवाई चल रही है वहां पे। देखिए, सरकार ये सब दंगाइयों को कैसे ठीक करना है, ये सरकार को और गृह मंत्री जी को पूर्ण तरीके से जानकारी है। सरकार ठीक कदम उठाएगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन रोक लगा दी है फिलहाल के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट कर रहे हैं, वो चेंज भी हो सकता है। नेताजी गरीब जनता के लिए कितने संवेदनशील हैं या कितने फिक्रमंद हैं, वो तो इनके भाषणबाजी से साफ है। नेताजी बोल रहे हैं दंगाइयों को कैसे ठीक करना है, सरकार को सब पता है। जिन गरीबों की दुकान तोड़ी गई, जो बच्चे बिलख बिलक कर रो रहे थे, वो दंगाई थे। ऐसे नेताओं में और महाभारत के धृतराष्ट्र में कोई अंतर नहीं होता है। फैसला जनता को करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।